फ्रेंड्स, बीआर टेक्निकल में आपको स्वागत है। आपको सीलिंग के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत लोग पूछ रहे थे कितना थर्माकोल का प्राइस क्या है, मटेरियल का प्राइस क्या है, सब पूछ रहे। अभी देखो, ये रूम को मैं सीलिंग करने वाला हूँ। इसके लिए मैं मटेरियल लेके आया है, ये थर्माकोल है। इसका साइज भी बताता हूँ। इसके साइज के हिसाब से आप कर सकते हैं। लेंथ लेके एक साइड 3.2 है, दूसरा साइड 19 cm है, पूरे तो 1.7 है, 1.7 फीट का है। उसके हिसाब से आप मार्किंग करके आराम से कर सकते हैं। इसे एल कहते हैं, इसे एल कहते हैं, एल चैनल। ओके, अभी इधर पूरा 12 फीट का है। ये देखो फुल लेंथ का टी है, देख लीजिए टी है, इसे टी कहते हैं। फुल लेंथ भी आपको दिखा 12 का है। आपको इसके लिए ड्राइंग करके आपको मैं मार्किंग कैसे करते हैं आपको मैं दिखाता हूँ, देख लीजिए। मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक करिए। उसके बाद आपको ए सीलिंग के लिए आपको बताता हूँ एक एक पार्ट में कैसे करने का क्या है बोल के कि दोस्तों। हाय फ्रेंड्स, आपको ऑलरेडी रूम का लेंथ दिखाया था कितना कितना बोल के। अभी मैं इसके बारे में आपको कितना मटेरियल गिरेगा वो दिखाएगा। उसके बाद डायरेक्ट आपको उधर कैसा फिट करने का, कौन सा लेंथ किधर गिरेगा आपको दिखाएगा। थर्माकोल का लेंथ दिखाया था कितना बोल के, वो हिसाब से आपको दिखाऊंगा। ये रूम का लेंथ है, एक साइड 11.8 बोले तो 140 cm है, दूसरा साइड 10.9 है फीट, उसको 129 cm है। उसके हिसाब से अलग करते हैं। अब थर्माकोल का लेंथ बताया था 39 cm है, cm है, वो 3.2 फीट का है। उसके हिसाब से इधर कैलकुलेट करेगा तो 140 बोलेगा तो कैलकुलेट करने पर 38 के हिसाब से डाल लिया है, 39 आएगा एक लेंथ थर्माकोल। उसके हिसाब से इधर डोर आया था, उधर इस साइड में डोर आया था, अभी 39 का हिसाब डाले, 38 के हिसाब डाल लिया है। थ्री पार्ट्स आए, चार पार्ट्स आएगा तभी, एक दो तीन चार पॉट आया था ऐसे ही। एक साइड अच्छे से ड्रा कर लीजिए, मैं डायरेक्ट फुल लेंथ डाल रहा हूँ, सिंगल लेंथ नहीं है। देख लिए ये रूम का है ना, इसमें आपको इधर बीच में तो टी गिरेगा। आप पहले चार साइड ये डाल लीजिए, एल को डाल लीजिए। एल का लेंथ है 12 है, एल का लेंथ, टी का लेंथ भी 12 ही आएगा फुल लेंथ। इसके हिसाब से डाल लीजिए, बोले ये 11.8 है, 12 फीट का है, ये बस हो जाएगा। इधर 11 फीट का है, 11 फीट बोलेगा तो ये वन फीट बच जाएगा उतना ही। इसे देख के डालने का, उधर तो थोड़ा ब्रैकेट जैसा ऐसा आया है कॉलम से, इधर और कॉलम्स का ना कटिंग आएगा, और ये दो साइड भी थोड़ा कटिंग है कॉलम्स का। ओके दोस्तों, अभी 1 2 3 हो गया, ये पूरा बॉर्डर है, एल डालना पड़ेगा, एल लास्ट साइड एल चैनल को डालना पड़ेगा, ये टी चैनल है। ओके, ये हो गया। अभी दूसरा साइड आएगा, दूसरा साइड विड्थ आएगा। ये लेंथ 3.38 cm है, उसके हिसाब से डिवाइड कर रहे तो 140 आ जाएगा, 140 cm आ जाएगा टोटल लेंथ। बोलेगा तो 38 cm बोलेगा तो 3 फीट 2 इंच का है। ओके, ऐसे ही चार पॉट करेगा तो हिसाब कर लीजिए, आपको आ जाएगा आराम से। दूसरा साइड आएगा, देख लीजिए 19 आएगा, 19
एक से 19 आएगा विड्थ, 19 बोलेगा तो 12, एक फीट को 12 cm है, 12 cm 1.7 cm, 1.7 फीट का है किधर साइड, विड्थ साइड, वो हिसाब से डिवाइड करेगा तो 129 डिवाइड करेगा तो 19 को, 19 डिवाइड करेगा तो पूरा 7 पीसेस गिरेगा, 19 19 19 19 19 19 19। ओके दोस्तों, ऐसे हिसाब डालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, हो गया ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ओके दोस्तों 7 आ गया ना। अभी इसमें तो लास्ट में तो थोड़ा बचेगा, ज़्यादा ही आएगा क्योंकि 19 डालोगे तो 18 ऐसे डाल दीजिए, क्योंकि थर्माकोल लेने टाइम में इधर उधर डैमेज होएगा इसके हिसाब से। ओके दोस्तों, अभी देखो इधर लाइन डालेंगे, मैं फुल लेंथ डाल रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होने का है और खर्चा भी ज़्यादा नहीं होने का, इसीलिए फुल लेंथ डाल रहा हूँ। थर्माकोल का प्राइस भी ज़्यादा भी नहीं है, 30 रुपीज़ 35 रुपीज़ गिर रहा है एक थर्माकोल सीट। बहुत लोग पूछ रहे हैं थर्माकोल कितना रहेगा, प्राइस बोलिए जी, किधर है जी भेज रहे, सभी बोल रहे, देख लीजिए। अभी 1 2 3 4 अभी दिख रहे हैं ना आपको, ये फुल लेंथ है। फुल लेंथ कितना पता है, वो नॉर्मल 39 है, 38 के हिसाब से डाल लिया है क्योंकि वन उधर साइड इधर साइड थोड़ा डैमेज होएगा इसीलिए 38, इधर 38 है फुल लेंथ, ये लेंथ 38 का है और ये लेंथ 19 का है, 19 का है। ओके दोस्तों, ऐसे ही डाल लिया है पूरा, उधर मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसके हिसाब से आप मेटेरियल ले लीजिए, ये ऑलरेडी आप बताया 11.8 बोले 12 फीट का समझो, और कितना चाहिए L 1 2 2, कितना 12 फीट का 2 चाहिए। ओके, और ये 11 फीट का है, 11 बोले तो अभी 12 डाल दीजिए, प्रॉब्लम नहीं है। और ये दो बोले टोटल 4 है, 12 फीट का 4 चाहिए L, और दूसरा टी का हिसाब डाल लीजिए, ये 12 का हिसाब डाल लेना, 1 1 2 3 4 5 6, 6 चाहिए, 6 पीस है क्या टी, 6 पीस ये हो गया ना। अब ये भी 12 का फीट डाल लीजिए, 3 पीस है, 1 2 3 1 2 3 3 बोलेगा तो टी और 3 + 3 = 9। ओके, अब क्या है देख लीजिए, एल टोटल दे देंगे, एल चाहिए 6 पीस 4 पीस बॉर्डर्स के लिए, और टी चाहिए 9 पीस। ओके, ये मेटल का आ गया, और थर्माकोल चाहिए कितना पीस चाहिए उसके सब देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 है, थर्माकोल चाहिए 28 है, और 2 एक्स्ट्रा ले लीजिए क्योंकि कुछ डैमेज होएगा तो प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए 30 ले लीजिए। ओके दोस्तों, अभी दिखाया आपको L4 T9 और D30। ओके दोस्तों, आप मटेरियल के लिए पूछ रहे थे ना, ऐसा ही है, इतना ही है, इसको कितना मटेरियल का प्राइस कितना भी नहीं होगा, पूरा 2500 होएगा, बोल्टिंग से मिला के स्क्रू मिलेगा, वो सीलिंग स्क्रू बोलेगा तो दे जाएगा, नट एंड बोल्ट बोलेगा तो छोटा रहेगा। ओके दोस्तों, टोटल 2500 होएगा, आप घर में करेगा तो आपका तो खर्चा बच जाएगा,
हाय फ्रेंड्स, बीआर टेक्निकल में आपको स्वागत है। कल आपको बताया था और चैनल के लिए और इसके लिए भी, अभी इसको फिटिंग किया है। देखिए, देखो पूरा कटिंग करके इधर भी रख दिया है। एल का पूरा हो गया काम, देख लीजिए। तो ज़्यादा बेंड है क्योंकि कॉलम्स आ गया, उधर बेंड हो गया, बेंड करना पड़ेगा। ये देखो पूरा का पूरा चार सेट डाल दिया। अभी नेक्स्ट आपको टी के बारे में बताऊंगा और धर्माकॉल के बारे में बताऊंगा। धर्माकॉल का साइज तो बताया था आपको, 3.2 का है एक साइड। दूसरा साइड है 19 cm का है, 1.7 फीट का है। इसके हिसाब से आप कैसा फिट करते हैं आपको मैं दिखाता हूँ। हाय फ्रेंड, देख लीजिए धर्माकॉल निकाला है बार को। आपको मार्किंग करने के लिए दिक्कत होएगा, इसीलिए आप आराम से पहले ऑलरेडी 4 साइड्स फिट कर लिया है ना, इसके हिसाब से आप देखो एक धर्माकॉल ले लिया, उसको आराम से एक कॉर्नर में रख लीजिए। मार्किंग करने के लिए कुछ दिक्कत नहीं होगा, तब आपको दिख रहे ना, सब फिट कर लीजिए आराम से। इसके हिसाब से आप पूरा का पूरा नहीं चाहिए, एक ही रखेंगे तो बस है। आप मार्किंग कर लिया ना, उधर एक मार्किंग कर लीजिए, देखो इधर एक मार्किंग कर लीजिए और इधर एक मार्किंग कर लीजिए, आपका लेंथ आ जाएगा। उसके बाद आप दूसरा पीस तो साइड करके फिर से रख लीजिए, रखने पर आपको अच्छा से फिट हो जाएगा। ऐसे ही आपको पूरा का पूरा डिस्टेंस भी मिल जाएगा, ऐसा पूरा आप कर सकते हैं। ये बीच में पूरा टी आता है, टी के हिसाब से कर लीजिए। देखो फ्रेंड्स, वो फिट करके आपको दिखाता हूँ मार्किंग करके। ओके फ्रेंड्स, ये बेंड करना पड़ेगा इधर, वो कैसा बेंड करते हैं आपको दिखाता हूँ मैं पूरा लेंथ में। देखिए इधर हाफ इंच कटिंग कर लेना पड़ेगा क्योंकि ऊपर बोल्टिंग करने के लिए। और इधर भी हाफ इंच कट कर लेते हैं। कटिंग करने के लिए कुछ कटिंग टूल का भी ज़रूरत नहीं है आपको, सही है। इधर कटिंग करते हैं इधर तक, दिखाओ कटिंग करने के लिए बोलता हूँ आसानी से। एक कटर ले लीजिए कई इंची और इसको सेंटर में रख के कट कर लीजिए, आराम से कट हो जाएगा। वो मार्किंग देख के कट करने गए, देखिए हो गया। इधर भी ऐसे कट करते हैं, देखो मार्किंग तक कट हो गया है। अभी इसको कटिंग ब्लेड से बेंड करे तो आराम से टूट जाएगा, देखिए। देख लेना दोस्तों, 2 बार ट्विस्ट करेगा तो टूट जाएगा आराम से, हो गया। अभी इधर एक होल डालते हैं, उधर भी होल डालते हैं, ऐसे ही करने का है। देख लीजिए आराम से टूट गया है अच्छे से, इसके लिए कुछ मेहनत भी जरूरत नहीं है। ऐसे ही पूरा का पूरा कट कर लीजिए, कट कर लेने से आपका आराम से हो जाएगा। उसके बाद इधर एक ड्रिल डाल के उधर फिट करते हैं, ऐसा फिट करते हैं दोस्तों। अभी नेक्स्ट दिखाएगा कैसे फिट करते हैं। देखिए टोटल 7 पीस लगा दिए, 6 पीसेस, 1 2 3 4 5 6 पीस लगा लिया। ऐसे ही अभी सेंटर में भी लगाएगा, देखो पूरा का पूरा लगा दिया इधर। अभी नेक्स्ट साइड के लिए कटिंग कराया हुआ है, वो भी लगाएगा, वो लगाने के बाद आपको दिखाएगा। देखो सिंपल ये और बेंड करके लगाने का है, बोल्टिंग करने का, ऐसा सभी प्लेस में ऐसे करने का है। तो दोस्तों अभी दूसरा करके आपको बताएगा कैसा फिट करने का।
हाय फ्रेंड, देखिए दो साइड कटिंग कर लिया है। उसके बाद एक साइड होल डाल के रख डाल दीजिए। डालने के बाद उधर फिट करने के बाद दूसरा होल डालिए, पहले ही नहीं डालने का क्योंकि उधर मैच नहीं होता है। देखो लाइन में आ गया, देखो अभी इधर नहीं रखा मैंने, इसकी तरह आपको क्रॉस दिख रहा है, ठीक है ना। एक साइड होल डाल के दूसरा नहीं रखा, इसीलिए आपको जो क्रॉस दिख रहा है सेम है। देखो दो साइड देखिए, देखो बोल्टिंग कर दिया, इधर होल डाल के उधर भी होल डाल दिया। इसके बाद अब फिट कर दिया है, फिट हो गया आराम से। अभी देखिए इधर होल नहीं डाला क्योंकि एक होल तो डाल दिया, अभी इसको डालने का है। इसके बाद अपने हाथ में एक पीस है ना, वो पीस को होल डाल के उधर मैच करने का है। इसके बाद ही आपको अच्छे से फिट हो जाएगा, चार साइड नीट आएगा। देखिए सभी कट लेंथ का आ गया है, ऐसे पूरा करने का है। जो फ्रेंड्स मैं होल डाल के उधर फिट करता हूँ मैं इसको, फ्रेंड्स देख लीजिए। ये देखो चैनल दिया है, दो साइड बेंड कर लिया है, एक साइड ऑलरेडी होल डाल लिया क्योंकि ऑपोजिट में, और दूसरा साइड होल नहीं डाला। ऐसे ही इधर देखो, इधर इधर ए पीस है ना, ए पीस को होल डाल के मार्किंग कर लीजिए। देखिए देखिए इधर मार्किंग कर लिया ऑलरेडी मैं, इस साइड में मार्किंग कर लिया है। वही हिसाब से आप फिट कर लीजिए। इधर लाइन के हिसाब से रखने से बस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए फ्रेंड्स इधर रख लिया है ऑलरेडी। देखो फ्रेंड्स इधर दो भी ऐड कर लिया लाइन में, लाइन रखा है इधर देखिए, तो लाइन के हिसाब से रख लिया है। उधर ऑलरेडी होल डाला में, वो होल में एक पॉइंट कर लीजिए। देख रहे हैं ना, पॉइंट कर लिया है। और उधर उधर होल डाल के रखा था ऑलरेडी पहले ही में, देख रहे हैं ना, कोई भी लाइन के हिसाब से रखकर इधर मार्किंग कर लीजिए। इसी तरह पूरा का पूरा करके इधर पॉइंट आ गया है, इधर उधर एक होल डाल लीजिए और इधर एक पॉइंट रखा है। देखिए दिख रहा है ना आपको, उधर भी एक पॉइंट रख लीजिए। तब ड्रिल डाल लेने के बाद उधर फिट कर लीजिए। ये फ्रेंड्स मार्किंग किया बोला है ना, दिख रहा है ना आपको पॉइंट, उधर ड्रिल डालते है। थ्री एम का ड्रिल डाल रहे हैं, होल हो गया है वो, इधर फिट करके बोल्टिंग करके और इधर एक होल डालेंगे वो भी डालेगा। ओके फ्रेंड्स ये ड्रिल बिट नया ले लीजिए, कितना भी नहीं 20 रुपीज़ ही रहेगा बिट। ओके पुराना रहेगा तो थोड़ा मुश्किल होएगा, नया होएगा तो आराम से जाएगा। अभी इधर रोल हो गया ना दोस्तों, ये 20 mm, ये देखिए सीलिंग नट एंड बोल्ट बोले देगा, और 2 mm या 2.5 का है, दिख रहा है ना वो। अभी इधर फिट करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी तो बोला है ना, बताया ना आपको, इधर डाल लिया ऑलरेडी ड्रिल, इधर डायरेक्ट फिट करते हैं। ये अभी लगा रहे हैं हम होल डाल के, देखिए इधर होल मैच करेंगे, और उधर और एक है ना वो भी मैच करेगा। देखो बराबर हो गया होल, लाइन भी बराबर है, दिख रहे हैं ना आपको लाइन। अभी देखो छोटा नट एंड बोल्ट है, देखो आराम से चले गया। और उधर साइड नट डालते हैं, इसे पूरा करने के सब पूरा करेगा तो। और अभी बताए ना आपको,
इधर भी सेम पॉइंट किया है, जो इधर पॉइंट किया है इधर भी होल डाल दिया, लाइन के हिसाब से रखेगा तो मिल जाएगा। देखो ड्रिल हो गया इधर भी, और दूसरा पीस रखने के बाद बोल्टिंग करेगा उसको मार्किंग करके, ऐसे ही लाइन करके जाने का है पूरा। देखो पूरा का पूरा हो गया, ये लास्ट लाइन है। ऐसे ही आप सब लोग मेरे वीडियो देख के अच्छे से कर लीजिए, आराम से फुल वीडियो डालेगा, मार्किंग से मिला के डालेगा क्योंकि आपको पता चलने का है। देखो इधर डायरेक्ट दीवार को डाल दिया, बोल्ट स्क्रू को डाल दिया डायरेक्ट, दिख रहा है ना। तो बेंड आएगा, बेंड का साइड भी थोड़ा बेंड करके कटिंग कर लीजिए 90 डिग्री में, वही कट हो जाएगा। ऐसे पूरा का पूरा करेगा तो अच्छे से आपको कैसे चाहिए, कोई डिजाइन चाहिए वो भी मिलेगा। बहुत लोग कहते हैं थर्मोकॉल लगा के रखेगा तो ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, ये परमानेंट है, कितना दिन भी रहेगा। गम लगा के लगाते हैं वो बहुत दिखने में अच्छा रहेगा, 2-3 साल से ज़्यादा नहीं रुकेगा, गर्मी को कम निकल जाएगा। ओके दोस्तों, सब पूरा वीडियो करके आपको दिखाता हूँ। आपको बेंड दिखाया ना ऑलरेडी, आपको कटिंग कैसे करेगा दिखाएगा ना। देखिए देख कटिंग बोला पता है ना, इसको टी जॉइंट डालने टाइम में 2 सेट कट करने का, क्योंकि ऊपर ऊपर थिकनेस रहेगा ना, ये थिकनेस के लिए आपको नहीं होगा, फिट नहीं होगा, इसलिए इधर ऊपर नीचे कट करके प्लेन में रखने का है, सेंटर में आराम से बैठ जाएगा। ये बेंड करने का कटिंग ब्लेड से, कटिंग ब्लेड से बेंड करके इधर फिट करने का है, ऐसे पूरा कट करने का है। एक एक साइड तो आपको पता है ना 19 है, 19 cm है, दूसरा साइड 38 cm है, इसके हिसाब से फिट कर लीजिए। फ्रेंड्स देखिए पूरा सीलिंग का मेन वर्क पूरा हो गया, कंप्लीट कर दिया। एक साइड लाए, एक साइड देखो इधर थर्मोकॉल भी रख दिया ऑलरेडी मैं, क्योंकि देखने के लिए देखो एक साइड तो 19 पता आया था आपको, एक साइड 38 का पता आया था cm, ऐसे रख दिया, कट फिट हो गया। थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा ही रखने का है, कुछ करेगा तो माइनस कट करने के लिए। और देखो फ्रेंड्स पूरा होने के बाद आप मेन सपोर्ट रखना पड़ेगा, देखिए सपोर्ट में लगाया है क्योंकि नहीं हिलने के लिए, सेंटर में सपोर्ट दे दीजिए, देखो नहीं हिल रहे, ऐसे ही छार से सार दे दीजिए, दिख रहे ना आपको, इधर रख दे दिया उधर रख दे दिया, अब नहीं हिलेगा। इसके बाद आपको थर्मोकॉल अच्छे से बिठा दीजिए, देखो बैठ गया इधर आराम से, कटिंग कर लेने का है, ऊपर लगा के लाइन मार्क कटिंग करने का है दोस्तों। देखो दोस्तों थर्मोकॉल पकड़ लिया है, देखिए इधर देखो फिट करेगा, कैसे करने का आपको बताएगा, स्लो में अच्छे से रख लीजिए क्योंकि थर्मोकॉल है, कुछ डैमेज होएगा, कुछ प्रॉब्लम होएगा। देखो फ्रेंड्स एक सेट बिठा दिया हमें, दिख रहे ना आप कॉर्नर में, इसके बाद आप लाइन मार लीजिए, देखिए ये कॉर्नर दिख रहा है ना, ज़्यादा है थोड़ा, बाहर को आ गया है इधर, आप क्या करने का इधर रख के लाइन मार लीजिए, पूरा का पूरा लाइन मार लीजिए, मारने के बाद अच्छा से रख लीजिए, बस आराम से बैठ जाएगा। फिर दोस्तों फ्रेंड्स देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है वर्क, बहुत सिंपल है, आप भी कर सकते हैं घर में रह के, देखिए किधर भी गैप नहीं है। मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। पूरा वीडियो डाल दिया, देख लिया, देख के आराम से कर लीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स, धन्यवाद।